हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मैं मेरुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट सॉल्यूशन पार्ट टू लेके आया हूँ सो so पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन से लेके टेन तक डिस्कस किया था एंशियट इंडियन हिस्ट्री का सो so आप लोग वो वीडियो देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा और देखो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन से डिस्कस करेंगे सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किया वो लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ टू हंड्रेड मंथली फीस पे करना होगा थ्रू यू पी आई यानी फ़ोनपे जी पी आई या पेटीएम से नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री इस नंबर पर टू हंड्रेड रुपीज़ पे करके इसका स्क्रीन शॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ सो so, शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर इलेवन सात बहानस मिंटेड देयर क्वेन प्रीडोमिनेंटली इन जो सात मतलब अपना कॉइन मिंट किस पे करते थे ऑप्शन ए लीड ऑप्शन बी सिल्वर ऑप्शन सी गोल्ड ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी लीड सो so, आप लोग मॉक टेस्ट के हिसाब से लेना और वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द ग्रेट सिल्क रोट टू द इंडियन वॉज ओपेंड बाई ऑप्शन ए कनिष्क ऑप्शन बी अशोका ऑप्शन सी हर्षा ऑप्शन डी फाहियान इसका जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन ए यानी कनिश्का ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेम द किंगडम हुच फर्स्ट यूज द एलिफेंट इन वार सो कौन सा किंगडम ने मतलब कह सकते हैं जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था एलिफेंट वार के टाइम पे ऑप्शन ए कौशाला ऑप्शन बी मगधा ऑप्शन सी चंपा ऑप्शन डी अवंती इसका जो राइट आंसर होगा बॉय है ऑप्शन बी यानी मगधा यह याद रखना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ द पोरूस कैम्प्ट ऑन ऑपोजिट ऑफ बैंक ऑफ़ द हुइ रिवर सो कैंप किया था अलेक्जेंडर और पोर्गस ने मतलब युद्ध के लिए सो कह सकते कौन से रिवर के अपोजिट पे ऑप्शन ए एरबी ऑप्शन बी जेलाम ऑप्शन सी सतलेज ऑप्शन डी चेनाब इसका जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन बी यानी जेलाम यह याद रखना जेलाम का मतलब कह सकते ग्रीक पे क्या नाम था हाइडेसपास सो ये बैटल को कह सकते हैं बैटल ऑफ हाइडेसपास भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हुई वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ द मोरियन डाइनेस्टी सो इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल एंड देयर वर्क सो कौन सा करेक्ट नहीं है जो मोरियन डाइनेस्टी का इम्पोर्टेंट ऑफिशियल एंड देयर वर्क सो कौन सा गलत है ये 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 याद रखना नॉट करेक्ट दिया हुआ है सो so, ऐसा एग्जाम पे आएगा आप लोग मतलब इसको आ, मतलब आंसर करना और करेक्ट में मतलब आंसर मत करना नॉट करेक्ट दिया हुआ है अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना आप लोग सो ऑप्शन है सानिदाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर ये सही है राजूकाश पटवारी यानी लैंड सर्वे वगैरह करना ये भी सही है युक्ता ये सबऑर्डिनेट रिवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ये भी सही है प्रदेशिका रेस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट ये गलत है सो रेस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट ये गोपा का है गोपा जो ऑफिशियल है उनके मतलब रेस्पॉन्सिबल क्या है अकाउंट और प्रदेशिका मतलब कह सकते हैं मॉडर्न डे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये सही है सो so, ऑप्शन डी करेक्ट है पदाशिका मीन्स डे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गुपा मीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट क्वेश्चन नंबर देखो सिक्सटीन द आजीबिका सुबह ऑप्शन ए सेक्ट कॉन्टेम्पोररी टू द बुद्धा ब्रेक ब्रेक हुए ब्रांच ऑफ द बुद्धिस्ट ऑप्शन सी सेक्ट फाउंडेड बाय छ का ऑप्शन डी सेक्ट फाउंडेड बाय शंकराचार्य सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी सेक्ट कंटेम्पोररी टू द बुद्धा ये याद रखना और आजीविका सेक्ट का किसने मतलब कह सकते फाउंडर थे माकाली गौसा माकाली गौसाला ये याद रखना लिख के रख लेना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन और जो अशोका का फादर यानी बिंदुसरा ने ये और उनके वाइफ ने मतलब कह सकते ये अजीबिका जो कह सकते से हैं सेक्ट को अपनाया था क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हु ऑज नोन एज द अमित्रो चेट्स ऑप्शन ए अशोका ऑप्शन बी बिंदुसरा ऑप्शन सी चंद्रगुप्ता मौर्य ऑप्शन डी नान इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी बिंदुसरा ये याद रखना अमित्र चेट्स मतलब क्या है स्लेयर ऑफ फोर्स यानी एनिमी का दंश करना क्वेश्चन नंबर एट्टीन हु आज़ द फाउंडर ऑफ द दिगंबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म ऑप्शन ए भद्रबाहू ऑप्शन बी स्थूलाभद्रा ऑप्शन सी महिंद्रा ऑप्शन डी नान इसका जो राइट आंसर होगा है ऑप्शन है यानी भद्रबाहू और कह सकते हैं जैनिज्म का दो सेक्ट है कह सकते हैं एक है दिगम्बरा और दूसरा है क्या शैतम्बरा तो शैतंबरा सेक्ट का किसने किया था फाउंडर ये यह तो स्थूलाभद्रा था यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा अगर स्थूल शैतंबरा अगर सेक्ट होता ये या याद रखना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन व्हाट डज द वर्ड बेदा मींस तो बेदा का मीनिंग क्या है नॉलेज यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हु रोट इंडिका सो so, चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन है यानी मेगास्तिन यस ये या याद रखना सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो थैंक यू